हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन दिस लर्निंग सेक्शन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चंस के दो लास्ट क्वेश्चंस बते हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द सम। क्या फाइंड द सम है? एक मिनट, फाइंड द सम ऑफ 45,276 एंड 435,723। नाउ फाइंड द सम ऑफ 435,723 एंड 45,276 इज द सम ऑफ बोथ द एडिशन स्टेटमेंट द सेम। इज द, यहाँ पे देखो क्या, फाइंड द सम ऑफ, पहले इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम करके क्या करना है, इनको ऐड करना, उसके बाद क्या करना है, नाउ अब फाइंड द सम ऑफ, अब इसको भी इसका भी सम फाइंड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। उसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन बोला इज द सम ऑफ बोथ द एडिशन, इज द सम ऑफ बोथ द एडिशन। इसमें क्या है बोल रहा है, यदि दोनों स्टेटमेंट सेम है, क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है, ऐड करने पे दोनों का आंसर सेम आएगा? यस सर। हम यहाँ पे राइट सर, यस। इसमें केवल एक सिंपल सा एक लाइन राइट कर देना, क्या राइट करना है देखिए, लाइन क्या राइट करना है, राइट कर देंगे यहां पे ऐसे, ये द, ठीक है, यस द सम इन बोथ द स्टेटमेंट, इन बोथ द स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इक्वल, क्या आर इक्वल टू, इक्वल टू, इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो ऐड करेंगे। इनको ऐड करने पे क्या वैल्यू आएगी, इनको ऐड करने पे क्या आएगा, इनको ऐड करने पे आएगा 4 लाख, कितना आएगा 4,80,999। इनको ऐड करोगे तो इतना ही आएगा 4,80,999। इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर देने, इसको और इसको ऐड करोगे तो भी 4,80,999 आएगा, और इन दोनों को भी ऐड करोगे तो भी यही वैल्यू आएगा। यानी दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसमें आपको अभी कुछ राइट भी करना है, इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को भी कुछ राइट करना है। देखिए कैसे राइट करेंगे, ठीक है, यहां पे पहले हम इनको देखते हैं क्या लिखेंगे, द सम ऑफ दिस एंड दिस, पहले यहां पे स्टेटमेंट में राइट करेंगे द सम ऑफ 45,276 प्लस, यहीं पे आगे राइट कर दे रहे हैं, प्लस 435,723। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वैल्यू ऐसे राइट करना 4,80,999, इनको जब ऐड करोगे यही आएगा। ठीक है, एंड नाउ द सम ऑफ दिस एंड नाउ द सम ऑफ इक्वल टू 4,35,723, उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस पे क्या है
45,276 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो ऐड करने पे जो वैल्यू आती है इसकी और इसकी क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे लास्ट में राइट कर देंगे, लास्ट में राइट कर देंगे ऐसे ये स्टेटमेंट, क्या राइट करेंगे, यस द सम ऑफ इन बोथ द स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या है ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है किसके, 480,999 के। ये जो सम हमने, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, इनको ऐड करने पे जो वैल्यू आई वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 22,052, क्या 22,052 स्टूडेंट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली वेंट ऑन समर वेकेशन। यहाँ पे क्या है, 22,052 स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली वेंट ऑन समर वेकेशन, यानी गर्मियों की छुट्टी के लिए न्यू दिल्ली जा रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स, 22,052 कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 22,052 यस। इतने स्टूडेंट्स दिल्ली समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं। आगे है, आगे दिया गया है एट द सेम टाइम यानी एक ही समय पे, क्या 45,234 स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई वेंट ऑन समर वेकेशन, यानी एक ही टाइम पे इतने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टी के लिए। ठीक है, इतने बच्चे गर्मियों की छुट्टी के लिए मुंबई जा रहे हैं और इतने बच्चे न्यू दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, इतने मुंबई जा रहे हैं और 25,052 कहाँ जा रहे हैं, न्यू दिल्ली। आगे है कैलकुलेट, क्या करना, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेंट ऑन समर वेकेशन। क्या करना, कैलकुलेट करना है इन दोनों, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स समर वेकेशन पे जा रहे हैं, बस ये बताना है हमें, ये नहीं बताना वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हमें ये बताना टोटल कितने स्टूडेंट्स समर वेकेशन पे जा रहे हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए सर, ऐड ऐड करेंगे। तो आप इनको इनका, अब आप इनका सीक्वेंस कैसे राइट करेंगे, आप इनको स्टेप बाय स्टेप कैसे राइट करेंगे, कर लेंगे आप सब? यस सर। स्टेप बाय स्टेप सभी लोग कर लोगे? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सर ये होमवर्क है? ये होमवर्क है, 7th वाला, 17 वाला, 17 और ये 16 को जो मैंने भी राइट कराया था वीडियो कल। yes. सभी लोगों ने नहीं देखा था वीडियो, सभी ने नहीं देखा था। मैं कल देखता हूं, मैं स्कूल में बुला के एक को तोड़ूंगा, बता रहा हूं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, लुक एट द रूट ऑफ द दिल्ली न्यूयॉर्क फ्लाइट। यहाँ पे लुक एट द रूट, रूट में क्या होता है, रास्ता, ऑफ द दिल्ली, ऑफ द दिल्ली न्यू दिल्ली न्यूयॉर्क, दिल्ली टू न्यूयॉर्क फ्लाइट, यानी फ्लाइट का रास्ता देखिए, मतलब लुक एट द रूट। यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये बता, ये जो स्टॉप है, ये ऐसी लाइनें जो बनी है, ये इसका क्या है, एक स्टॉप है, मतलब ये फ्लाइट यहाँ से दिल्ली से उड़ेगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, पेरिस जाएगी, फिर पेरिस से टेक ऑफ करेगी लंदन के लिए। ठीक है, फिर लंदन रुकने के बाद, वहां से पैसेंजर को उतारने के बाद, उसके बाद लंदन से सीधा न्यूयॉर्क जाएगी, यानी टोटल
दो स्टॉप लेती है, उसके बाद हमें कहाँ पहुंचाती है, न्यूयॉर्क पहुंचाती है, यानी दिल्ली टू न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट क्या, यानी बीच में दो स्टॉप लेती है, आफ्टर दैट वो कहाँ जाती है, न्यूयॉर्क। यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, मतलब ये जो किलोमीटर दिए गए हैं इनको क्या करना है, ऐड कर देना, और ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी टोटल न्यूयॉर्क का, वो एग्जैक्ट कितने किलोमीटर है, दिल्ली से न्यूयॉर्क कितने किलोमीटर है ये बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनको ऐड करिए, ऐड कर लेंगे ना सभी लोग, क्या करना yes, sir. Yes, sir. आपको yes, करना क्या है, यहाँ पे ऐसे आप ऐड करिएगा ये वैल्यू, उसके बाद इसको ऐड करिएगा, सर नोटबुक में करना है, हाँ ठीक है, उसके बाद इस वाले को ऐड कर लेना, जो वैल्यू आएगी उसे राइट कर लेना, ठीक है। वैल्यू आई थिंक 12,526 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा 12,526 किलोमीटर टोटल आएगा न्यूयॉर्क का, ठीक है। दिल्ली टू न्यूयॉर्क कितने किलोमीटर दूर है इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर, क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर, यानी बड़ी संख्याओं का क्या घटाना या घटाव जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, सब रोटो, ये किसी का नेम है, कोई होगा, ठीक है, गोज टू सी दैट फाइनल मैच ऑफ द आईपीएल सीजन, सब रोटो कहाँ जा रहा है, देखने जा रहा है फाइनल मैच ऑफ द आईपीएल सीजन, यानी आईपीएल का फाइनल मैच देखने के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं तब पता चलेगा, क्या बिफोर द मैच, मैच से मैच शुरू होने से पहले द गेम स्क्रीन इन द स्टेडियम शो सचिन तेंदुलकर जर्नी एज अ क्रिकेटर, यहाँ पे मैच शुरू होने से पहले द गेंट स्क्रीन, गेंट स्क्रीन मतलब क्या होता है, जो वहां पे बड़ी बड़ी टीवी लगी रहती है जिसे बोलते हो, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी नहीं रहती हैं स्टेडियम में, यस सर यस सर, वहां पे क्या दिखाया जा रहा है, वहां पे सचिन तेंदुलकर जर्नी एज अ क्रिकेटर, यानी क्रिकेटर के रूप में उनके उनकी जर्नी बताई जा रही है, मतलब उन्होंने किस मैच में कितना रन बनाया, कितनी सेंचुरी मारी, कितने हाफ सेंचुरी मारी, ये सारी चीजें उनकी बताई जा रही है, उन्होंने कैसे अपना परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, उस टीवी पे दिखाया जा रहा है, उस स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आगे क्या है, इट फ्लैश इज टोटल रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट एज 32,346, यहाँ पे क्या है, इट फ्लैश हिज टोटल रन, मतलब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने टोटल रन, इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटल इतने रन बनाए, ठीक है, इंटरनेशनल करियर में इन्होंने इतने रन बनाए। आगे क्या है, आगे नीचे दिया गया है देयर इज सम एरर, यहाँ पे कुछ गलतियां हैं, यहाँ पे ये कौन बोला है, ये बोला है सब रोटो बोला देयर इज सम एरर, यहाँ पे कुछ गलतियां हैं, सचिन हैज स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32,357 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, रोटो क्या बोल रहा है देयर इज सम एरर, यहाँ पे कुछ गलती है, सचिन ने स्कोर किया टोटल रन ऑफ 34,000, यानी ये इतना रन नहीं स्कोर किया है सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में, इतना रन सचिन ने बनाया है, ठीक है, ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं सचिन ने इतने रन बनाए थे इंटरनेशनल करियर में, और लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है वो क्या दिखाया जा रहा है, 32,346 रन, ठीक है। आगे देखते हैं क्या
द स्क्रीन इज फ्लैशिंग एंड इनकरेक्ट फिगर, जो स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है वो क्या है, इनकरेक्ट फिगर दिखाया जा रहा है, यानी इनकरेक्ट रन स्कोर दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये जो स्कोर दिखाया जा रहा है उस स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो दिखाया जा रहा है ना 32,346, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये रॉन्ग है। आगे है एस्टीमेट, क्या एस्टीमेट टू द नियरेस्ट थाउजेंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द एक्चुअल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सचिन। यहाँ पे क्या है, एस्टीमेट टू द नियरेस्ट थाउजेंड, क्या करना हमें, एस्टीमेट द नियरेस्ट थाउजेंड, यानी इसको नियरेस्ट थाउजेंड इसका बताना है क्या करके, डिफरेंस बिटवीन द रन, यानी इस रन में और इस रन में क्या करना है, डिफरेंस बताना, इसको इससे माइनस कर देंगे और क्या करना है उसके बाद, एक्चुअल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सचिन यहाँ पे बताना है, इसको माइनस करने पे, माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी उसको क्या कर दे रहा है, नियरेस्ट थाउजेंड करना है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या किया गया है, माइनस करना तो सभी लोग जानते ही हो, यहाँ पे देखो ये किया जा रहा है ना, यहाँ पे क्या किया गया, देखो ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी ब्रेक मीन्स क्या होता है, बीच जैसे इंटरवल होता है तुम लोग के स्कूल टाइमिंग में लंच के लिए, यानी ब्रेक के लिए कुछ टाइम के लिए, ऐसे ही यहाँ पे ड्यूरिंग द ब्रेक सबरोटो ऑब्जर्व द डाटा डिस्प्ले ऑन टिकट काउंटर, सबरोटो क्या करता है, डिस्प्ले यानी ऑब्जर्व करता है, सॉरी सबरोटो ऑब्जर्व यानी ऑब्जर्व करता है, यानी उसे देखता है समझता है, द डाटा डिस्प्ले ऑन द टिकट काउंटर, टिकट काउंटर पे जो डाटा है वो क्या है, द डाटा रिवेल्स दैट 55,418 IPL tickets have been sold online. क्या यहाँ पे क्या है, इतने टिकट्स क्या है ऑनलाइन बिके हैं, और क्या एंड 34,129 हैव बीन सोल्ड थ्रू वेरियस काउंटर अक्रॉस द सिटी, यानी सिटी के जो वेरियस स्टेडियम के जो काउंटर होते हैं, यानी उस स्टेडियम के जो काउंटर होते हैं वहां से कितने टिकट्स बिके हैं, 34,129 टिकट्स। ठीक है, आगे है हाउ मेनी मोर पीपल हैव बॉट टिकट्स ऑनलाइन, कितने पीपल्स ऑनलाइन टिकट्स हैं, तो क्या कर देंगे इसको, इसमें से माइनस कर देंगे, हाउ मेनी मोर पीपल हैव बॉट टिकट्स ऑनलाइन, कितने पीपल्स ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं ये आपको बताना है अभी भी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम क्या यहाँ पे देखो विल बी सब्ट्रैक्ट द वंस फर्स्ट फॉलो बाय 1,000 and 1,000 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है सबरूटो, कह रहा है हम घटाएंगे, यानी वी विल सब्ट्रैक्ट, हम घटाएंगे द वंस फर्स्ट, पहले हम वंस को माइनस करेंगे, आफ्टर डेट हम टेंस वाले डिजिट्स को माइनस करेंगे, आफ्टर डेट हंड्रेड, उसके बाद थाउजेंड, और उसके आगे जो भी हो, यानी इट्स ऑन, उसके आगे 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये थाउजेंड, ये 10,000 एंड दिस सॉरी 1,000 एंड दिस 10,000। ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यूज राइट करेंगे, राइट करने पे क्या कर रहे हैं, राइट करने के बाद हम इसे माइनस कर देंगे, माइनस करने पे वैल्यू क्या आई, मतलब हम इतने टिकट्स ऑनलाइन और भी बेच सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑन फाइंडिंग दैट मोर, यहाँ पे क्या है ऑन फाइंडिंग, यानी खोजने पर दैट 21,289 more spectators bought tickets online, यानी इतने tickets और online खरीदे, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी डिसाइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टिकट काउंटर फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन, द स्पोर्ट अथॉरिटी, जो स्पोर्ट अथॉरिटी मतलब क्या होता है,
अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? नहीं पता है? पता है बताइए. नो सर. किसी को नहीं पता है? अधिकार जिसे, नो सर. अधिकार यानी जैसे कि यहाँ पे सन वैली स्कूल है, तो यहाँ पे इस स्कूल पे किसका अधिकार है? जैसे मान लो ये फोन है, ये फोन है, तो ये फोन किसका? ये मेरा, मतलब इसमें ये मेरा हक है, यानी मेरा अधिकार है. तो ऐसे ही वहां पे क्या है, जो मैच ऑर्गेनाइज करता है, मतलब मैचेस टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करता है, उसी को यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी डिसाइड, यानी निर्णय लिया टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टिकट, यानी जो नंबर ऑफ टिकट्स है उसको क्या है, मतलब कम करने को, ऑफ टिकट काउंटर, यानी टिकट काउंटर से टिकट को बेचना कम कर दिया, और बाकी टिकट्स को किस में बेचेगा, नेक्स्ट सीजन में ऑनलाइन बेचेगा बाकी टिकट्स को. सेबरेटो एंजॉय वाचिंग द मैच, यानी मजे कर रहा था मैच देख के, विच ऑन हिज फेवरेट टीम, और उसकी जो पसंदीदा टीम थी वो क्या हुई, विन हो गई, यानी जीत गई, ऑन हो गई. यहाँ पे देखो लिखा हुआ आगे है, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, यहाँ पे अब एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है. अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल अभी हम आपको ऐसे ही बताएंगे. यहाँ पे देखिए, सब्ट्रैक्ट, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना, वन डन फॉर यू, एक डन कर दिया गया है, ठीक है. तो आप ये सब्ट्रैक्ट कर ही लेंगे, कर लेंगे ना सब्ट्रैक्ट? यस सर. यस यस सर. सब्ट्रैक्ट करना सभी को आता है ना? हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर टू क्या है, सब्ट्रैक्ट द नंबर एट द टॉप ऑफ ईच टेबल, यानी क्या है, सब्ट्रैक्ट द नंबर एट द टॉप ऑफ ईच टेबल, यानी ये जो टेबल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे टेबल में जो इस सबसे ऊपर है क्या करना है, और ये जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनमें से इसको क्या कर देना है, माइनस करना है. इनमें से इसको माइनस करने पे जो वैल्यू है करना, उसे यहाँ पे राइट करना है, ठीक है. उसके इस वाले को भी इसी से क्या करना है, माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा यहाँ राइट करना है. ऐसे ही लास्ट में भी करना, हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे राइट करेंगे. समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर. क्या करना है इसमें, ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने पे जो आंसर आएगा हम इसके बगल में राइट कर देंगे. कर लेंगे ना? यस सर. यस सर. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में भी है, क्या इसमें से इसको माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी हम उसे राइट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, जब इसको इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, 21,803. जब इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 21,803 आएगा. तो यहीं पे ऐसे राइट कर देना, ठीक है. ऐसे ही इसको भी करना है, ऐसे इसको माइनस कर देना, ऐसे लास्ट में भी है, इसको इसमें से माइनस कर देना. कर लेंगे? यस सर. क्वेश्चन नंबर वन एंड टू, ठीक है, कर लीजिएगा. हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. आगे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, इसमें मिसिंग डिजिट्स को राइट करना है. क्या है, राइट द मिसिंग डिजिट. यहाँ पे ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये ब्लैंक बॉक्सेस, यहाँ पे आपको नंबर्स फिल करने हैं जो भी माइनस करने पे. यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो ये बॉक्स है, यहाँ पे वो एग्जैक्ट नंबर फिल करना है जिसको माइनस करने पे ये वैल्यू आई, ठीक है. फिल कर लेंगे सभी लोग? यस सर. यहाँ पे देखो, देखो हम समझा रहे हैं. एक देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला जा रहा है कितना माइनस कर दे कि टू आए, तो कितना माइनस कर दे,
इस बॉक्स में कौन सा नंबर फिल करें कि माइनस करने पे आंसर कितना आए? टू आए. कौन सा नंबर फिल करेंगे? टू. सिक्स. सिक्स में से फोर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? टू. ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जीरो में से वन माइनस होगा. हमें बैरो लेना पड़ेगा ना, तो बैरो लेंगे. बैरो लेने पे कितना हो गया? टेन में से वन माइनस करोगे कितना आएगा? नाइन. ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा? सिक्स. अब सिक्स में थ्री माइनस करो कितना हो जाएगा? थ्री. अभी इसमें देखो, इसमें यहाँ पे कौन सा नंबर हम फिल कर दे जिसको माइनस करने पे आंसर वन आए? फाइव. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कौन सा नंबर फिल करे कि माइनस करने पे थ्री आ जाए? फाइव. ठीक है, फाइव. यस, सही है. माइनस करने पे सारे वैल्यू सही जा रहे हैं. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी भी आप कर लीजिएगा. हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं. क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी इन समस्याओं को सॉल्व करिए. ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है. यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर ए है, बाय हाउ मच इज 24,387 लेस देन 1,19,989, यानी हाउ मच कितना होगा? बाय हाउ मच कितना होगा 24,387 लेस देन द दिस डिजिट, यानी इसमें से इसको क्या करना है, क्या करेंगे सर? माइनस. हम इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसे हम राइट कर लेंगे. ठीक है, तो माइनस करने पे कितना आएगा, चलिए देखते हैं. यहाँ पे देखो क्या है, 1,19,989 दिया गया है. ठीक है, अब इसको इसमें से इसको माइनस करो क्या है, 24,387 दिया गया है. माइनस करिए, यहाँ पे देखो 9 माइनस 7 आएगा. क्या हुआ सर? 2 आएगा. 2. 9 माइनस 7 इक्वल टू 2. आगे क्या है, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0. 0. ठीक है, 9 माइनस 0 इक्वल टू 6. 9 माइनस 4 इक्वल टू 5. यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 होगा, नहीं होगा ना? नो सर. सीधा डायरेक्ट 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर? 9. तो आंसर कितना आया, 95,602. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर में करना है? नहीं, नोटबुक में. आगे है क्वेश्चन नंबर टू, क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर. क्या करना हमें, फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस फाइंड करना है किसमें, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, यानी सब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है. नंबर तो बताइए, लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 9,99,999. यस, यहाँ पे देखो क्या कितना होता है लार्जेस्ट नंबर, 9,99,999. स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर कौन से होते हैं? वन लाख. ठीक है, यहाँ पे 1,00,000 होते हैं. 1,00,000 में से इसको माइनस कर देना, जो वैल्यू है वो इसका आंसर होगा. ठीक है,
कर लेंगे ना? यस सर। आप ऐसे इसको प्रॉपर ऐसे राइट करिएगा, हम बता रहे हैं कैसे राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे आप राइट करिएगा आंसर में, द लार्जेस्ट, बोलिए मत, ठीक है। इसमें से क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स, अपने आप को म्यूट करिए, म्यूट करिए जिसके यहां से आवाज आ रही है। इनमें से इसको ऐसे माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। ठीक है, जो आंसर आएगा आप राइट कर लेंगे, राइट कर लेंगे ना? यस सर। यस सर। कितना आएगा? कितना ही आएगा, 1 लाख ही माइनस करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, कर लेंगे ना? यस सर। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। यस सर, ये वाला अभी भेजना आपके पे, अभी जब पूरा कंप्लीट कर लेना तब भेज देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 90,167 पीपल अटेंड द आईपीएल मैच इन कोलकाता। क्या इतने पीपल्स क्या देखने, अटेंड द आईपीएल मैच यानी आईपीएल मैच को देखने आते हैं, कहां पे, इन कोलकाता, यानी इस जगह पे इतने, मतलब क्या इसे क्या बोलते हैं, इसे दर्शक जिसे बोलते हैं, इतने लोग आईपीएल मैच देखने के लिए आते हैं। ठीक है, आगे क्या है, वाइल 1,05,413 पीपल्स अटेंड द मैच इन मुंबई, और इतने लोग मुंबई में आते हैं मैच देखने के लिए, और क्या करना है, हाउ मेनी मोर पीपल अटेंड द मैच इन मुंबई देन इन कोलकाता, यानी मुंबई में कितने लोग आते हैं कोलकाता की अपेक्षा, यानी कोलकाता से कितना ज्यादा लोग आते हैं, कितना अधिक लोग आते हैं मुंबई में मैच देखने के लिए, आपको क्या बताना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, माइनस कर देंगे, ये जो नंबर है इस नंबर से इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने पे तो वैल्यू आएगी, वो राइट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट भी राइट करेंगे। स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट क्या राइट करेंगे, देखिए हम राइट करेंगे ऐसे, पीपल अटेंड द आईपीएल मैच इन कोलकाता इक्वल टू इतना। ठीक है, इतना, इतने लोग कोलकाता में आते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप यहीं से शुरू करेंगे, इक्वल टू करके क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। ठीक है, इक्वल करके इसको राइट करेंगे। आफ्टर दैट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको राइट करना है व्हाइल
पीपल अटेंड द मैच इन मुंबई, ठीक है, इक्वल टू इतना, ठीक है। आगे क्या है, आगे है हाउ मेनी मोर पीपल अटेंड द मैच इन मुंबई देन इन कोलकाता, तो राइट करेंगे पीपल अटेंड द मैच इन मुंबई देन इन कोलकाता इक्वल टू क्या करेंगे, इतना राइट करने के बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो उसका आंसर हो गया, ठीक है, कर लेंगे ना। यस सर। चलिए ठीक है, आगे आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से, क्या एक क्लॉथिंग स्टोर सेल मर्चेंडाइज स्टोर 45,671 इन द मॉर्निंग एंड 54,321 इन द इवनिंग, यानी एक जो व्यापारी है, यानी एक क्लॉथिंग स्टोर सेल्स मर्चेंडाइज स्टोर, मतलब मर्चेंडाइज मीन्स क्या होता है, व्यापारी होता है, बेचता है, एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, जिसका मालिक 45,671 रुपए सुबह बेचता है, मतलब सुबह में इतने सारे कपड़े बेचता है, इतने रुपए के कपड़े बेचता है, यानी मॉर्निंग में इतने रुपए के कपड़े बेचता है और इवनिंग में इतने रुपए के कपड़े बेचता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स फिगर, क्या करना है हमें इसको, इस वाले से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है, माइनस करने की जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। तो हम ऐसे राइट करेंगे, एक क्लॉथिंग स्टोर सेल्स, पहले क्या राइट करेंगे, हम पहले राइट करेंगे एक क्लॉथिंग स्टोर